Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at your homes. So today in English literature, we'll have a quick revision of chapter 3, that is Christmas morning. आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ये. आप सबको इस चैप्टर के बारे में मालूम है. आप सबने इसका क्वेश्चन आंसर्स, यू नो, वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस सब किया हुआ है. सो आज हम बस क्या करेंगे, इस पूरे स्टोरी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. अंडरस्टूड? ताकि आप जो भी अगर भूल चुके होंगे आपको फिर से याद आ जाए. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्रिसमस मॉर्निंग इज अ स्टोरी ऑफ फोर सिस्टर हु रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑन क्रिसमस डे. ये जो स्टोरी थी ये चार बहनों के बारे में है जो कि क्रिसमस डे के दिन उनको ये एहसास होता है कि चाह में और ज़रूरत में क्या फ़र्क होता है. नीड को हम बोलते हैं ज़रूरत और वॉन्ट का मतलब होता है चाह. So, you should always remember in your life that the first and foremost thing which we should all focus on is completing our needs. हमें सबसे पहले अपने ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए. Okay, क्योंकि they are necessary for living life. For example, eating food is a need to stay alive. But eating food that you like, eating food from restaurants is your वॉन्ट. ये आपकी चाह है कि बड़े बड़े होटल से आप फूड मंगा के खाएं. ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदा रहने के लिए आप होटल का ही फूड खाएंगे तो ही आप ज़िंदा रहेंगे. आप घर का खाना खा कर भी ज़िंदा रह सकते हो. ओके, सो खाना खाना आपकी ज़रूरत है, पर महंगे महंगे होटलों से मंगा करके खाना खाना आपकी चाह है, आपकी वॉन्ट है. ओके, सो इन लड़कियों को भी, इन चारों बहनों को भी क्रिसमस डे के दिन इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़रूरतों को पूरा करना. ओके, एंड हाउ दे रियलाइज इट, ऐसा क्या होता है उस दिन कि उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. एंड वन मोर थिंग बिफोर यू गो ऑन कम्प्लीटिंग योर वॉन्ट्स, इससे पहले कि आप अपनी ज़रूरतों से ध्यान हटाकर अपने, यू नो, whatever इज़ अ विश उसको आप पूरा करने की कोशिश करो. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक अ लुक एट पीपल अराउंड यू, कि क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे देन यू विल रियलाइज दैट आपकी तो ज़रूरतें चाह सब पूरे हो रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनके बेसिक जो नीड्स हैं लाइक फूड, वाटर एंड हाउस, वो भी पूरा नहीं हो सकते. तो इससे पहले कि आप अपने विशेज़ को पूरा करने लगो, यू शुड ट्राई एंड हेल्प देम टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विच द गर्ल्स डू इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो नेक्स्ट डे क्रिसमस होने वाला था एंड ऑल द फोर सिस्टर्स वो सिटिंग इन देयर रूम एंड वो डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, कि वो कल क्या क्या करने वाले हैं. ओके, एंड दे वर बिट सैड टू, वो थोड़े सैड भी थी क्योंकि इस बार क्रिसमस पे उनके जो फादर है वो उनके साथ नहीं थे. ही वॉज आउट ऑफ द सिटी फॉर सम वॉक. ओके, सो ओनली द फोर गर्ल्स एंड देयर मदर वॉज एट द होम. सो जैसे ही उनकी मदर दरवाज़ा खोलती है और अपनी बेटियों के कमरे में आती है, ऑल द फोर गर्ल्स गो एंड हग देयर मदर एंड बिकॉज देयर मदर हैड कम विद अ लेटर फ्रॉम देयर फादर. उनके फादर ने अपनी बेटियों के लिए और अपनी वाइफ के लिए एक लेटर भेजा था, वो लेकर के उसकी माँ आई, उन लड़कियों की माँ आई. सो ऑल द फोर गर्ल्स वर वेरी हैप्पी, दे ऑल सैट एंड when the letter was read, usme kya likha tha, that the father wanted all the four girls to take care of their mother, listen to their mother, obey her and be good girls, be responsible girls. Okay, so all the four girls promised their mother that they would be doing their duties faithfully and responsibly and they will also be obeying her, listening to her, whatever she'll be saying to them. Okay, so next day was Christmas morning and all the four girls prepared the breakfast with so much of excitement and happiness and they were sitting on the dining table waiting to surprise their mother. तो जैसे ही उनकी मदर बाहर से रूम में, डाइनिंग रूम में एंटर करती है, डाइनिंग टेबल के पास आती है, शी वॉज वेरी लुकिंग वेरी सैड एंड ऑल वेन ऑल द फोर गर्ल्स आस्क देयर मदर व्हाई वाज शी सैड, व्हाई वाज शी नॉट हैप्पी व्हेन दे ऑल विश्ड हर क्रिसमस हैप्पी मैरी क्रिसमस. उनकी मदर उनको बताती है दैट उनके नेबरहुड में कुछ दूर पे एक औरत है, शी इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है और उनके चार बच्चे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं एंड दे आर ऑल वेरी हंग्री. ओके, और वो इतनी बीमार है कि उनके लिए खाना भी जुटा नहीं सकती है. सो
वो चाहती थी कि ऑल द फोर गर्ल्स आज के लिए अपना जो ब्रेकफास्ट है वो सेक्रीफाइस कर दे उन बच्चों के लिए और उनकी बीमार माँ के लिए, ताकि उनका पेट भर सके, एटलीस्ट कुछ दिन वो शांत रह सके, कुछ देर वो उनकी भूख शांत हो सके. ओके, सो ऑल द फोर गर्ल्स वो पहले सोचती हैं, उनको थोड़ा थोड़े उदास होते हैं क्योंकि वो बहुत खुश थे क्रिसमस मनाने के लिए, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट से फूड प्रिपेयर किया था. बट फिर उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा ज़रूरत अभी इस खाने की उन बच्चों को और उनकी बीमार माँ को है. सो दे गेट रेडी टू सेक्रीफाइस अ ब्रेकफास्ट फॉर दैट डे. ओके, और वो चारों अपनी माँ के साथ जाते हैं, वहाँ पे उन बच्चों को, भूखे बच्चों को फीड करते हैं और उनको फीड, उन बच्चों को खाना खिलाकर और उनकी माँ की थोड़ी बहुत देखभाल करके बहुत अच्छा लगता है. दे फील वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड. ओके, और जब वो वहाँ से उनको खाना खिला करके खुशी खुशी घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका जो डाइनिंग टेबल था वो वैरायटीज़ ऑफ डिशेस से भरा हुआ था. ओके, देयर वर वैरायटीज़ ऑफ डिशेस केप्ट ऑन देयर डाइनिंग टेबल एंड ऑल द फोर गर्ल्स गेट सरप्राइज्ड कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा ब्रेकफास्ट जाके उन बच्चों को खिला दिया था, गरीब बच्चों को, भूखे बच्चों को खिला दिया था. ओके, सो उनकी मदर उनको बताती है दैट ओल्ड मिस्टर लॉरेंस जो कि उनके पड़ोसी थे, जब उनको पता चला कि उन लड़कियों ने इतनी छोटी उम्र में भी अपनी खुशियों के बारे में ना सोच के, अपने ब्रेकफास्ट, अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में ना सोच के उन गरीब बच्चों की और उनकी बीमार माँ की मदद की, सो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द गर्ल्स. सो एज अ स्वीट जेस्चर, एज हिज फॉन्डनेस फॉर द गर्ल, गर्ल्स की तरफ अपने प्यार को दिखाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए उन्होंने उनके लिए एक ट्रीट भेजा था, एक शानदार ट्रीट भेजा था जिसमें वेराइटीज ऑफ डिशेज थे. ओके, सो उन गर्ल्स को इस जानकर बहुत खुशी होती, दे गेट वेरी हैप्पी. सो दैट इज द स्टोरी. And what you learn from the story is that when you do not think about your own happiness, your own self, and selflessly when you help others, God will always help you. आपकी सभी ज़रूरतें आपके बिना कुछ किए ही पूरी हो जाएंगी जब आप खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो. Understood? So we should always be try to be selfless and help each and everyone around us, जिसकी भी help करना हमारे लिए possible. So that's all. I hope you all have understood the story. Thank you.